पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या उसकी मौत होने पर दोषी को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा होगी। हालांकि इस बिल पर अब बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में इस बिल पर बात करते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आरजी कर की घटना से हो रही किरकिरी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाया गया है। बीजेपी हर तरह से उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानून व्यवस्था का प्रावधान करे, लेकिन सख्त कानून के साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। बलात्कार के आरोपियों की सजा दुगनी करने का कानूनी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है। साक्ष्य अधिनियम में भी वांछित संशोधन किए गए हैं। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा कराई? और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर, जबकि निरंतर अनुरोध किया जाता रहा। नंबर दो, वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितने केसेस में कन्विक्शन करा दिया है। वो ये भी बताएं कितने केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, और वो ये भी बताएं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस प्रकरण के संदर्भ में जिन लोगों ने कहा था कि उंगली तोड़ दी जाएगी, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की है? जिन लोगों ने ये कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं वो अन्यान्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की थी? इससे यह लगता है कि उनकी मंशा सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु मैं पुनः यह बात रेखांकित करना चाहता हूं, सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नजर आ रहा है। गौरतलब है कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीती 9 अगस्त को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से पूरे देश में खासी नाराजगी है। देश भर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। बंगाल में अभी भी डॉक्टर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 पेश और पारित करने के लिए विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। विधानसभा में पेश विधेयक को बीजेपी विधायकों ने भी समर्थन दिया और बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास भी हो चुका है। हालांकि बीजेपी नेता ममता सरकार पर लोगों के गुस्से से बचने और उनका ध्यान भटकाने के लिए ये विधेयक पेश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। बहरहाल अब इस विधेयक को कानून के तौर पर लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी चाहिए होगी। ऐसे में देखना होगा कि अपराजिता विधेयक को हरी झंडी मिलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।